तो गाइस अभी हम लोग आए थे तालाब के चक्कर में, मतलब यहाँ पे बोटिंग वगैरह होती थी और हमारा पोपट हो गया। यहाँ पर खेती बाड़ी होने लग गई। तो गाइस चटक कर लो, टिंगा ही सकता हूँ, आपको खिला सकता नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी हम सब नहा धोकर रेडी हो चुके हैं और खाना वाना तो खाया नहीं, मैंने तो खा लिया क्योंकि मामा जी का और भैया का व्रत था और मनीष भाई का तो नहीं था। हम दोनों का तो हमने तो नहीं किया व्रत, हमारे से बस की नहीं। मेरे से तो नहीं रहा था, भूखा थोड़ा सा भी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शिव जी के मंदिर में, मतलब यहाँ से थोड़ी सी दूर है, मतलब नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है, तो वहाँ पर चलते हैं फटाफट से। मामा जी गाड़ी लेके तैयार हो चुके हैं, मनीष भाई गाड़ी को भी साफ कर लिए, भैया भी लोग वगैरह लगा रहे हैं, तो चलो चलते हैं फटाफट से महादेव जी के मंदिर। तो फाइनली भैया भी आ चुके हैं और मनीष भाई पता नहीं क्या लेने जा रहे हैं, सामान लेने जा रहे हैं उधर से। तो अब जा रहे हैं हम सीधा नीलकंठ महादेव जी के मंदिर में, तो चलो अब चलते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कितनी भीड़ हो रही है, मतलब क्या बताया आपको, मेरे को लग रहा है हमारा तो शायद ही जाना होगा अंदर, क्योंकि देख सकते हो आप कितनी भीड़ हो रही है। मंदिर भी बहुत अंदर है, गाड़ी यहाँ खड़ी करके जानी पड़ेगी। सॉरी मैं तो नहीं जाऊँ, कोई दूसरी लोकेशन पे चलते। जय हो, यहीं से हाथ जोड़ लिए, अब चलो चलते कहीं और, क्योंकि यहाँ पे भीड़ हो रही है भयंकर, पूरा दिन यहीं निकल जाएगा अगर हम यहाँ रुक गए तो। कहा तो हमने कैंसिल कर दिया, अब हम जा रहे हैं कहीं और दूसरी जगह, मतलब छोटे मंदिर में जाएंगे, तो चलो चलते हैं। अभी हम लोग आए मतलब रामदेव जी का मंदिर है यहाँ पर, तो वहाँ पर आए क्योंकि वहाँ पर तो भयंकर भीड़ हो रही थी महादेव जी के मंदिर में। और ये देख सकते हो आप मंदिर यहाँ पर, ये मामा जी और भैया और सर भी हैं हमारे साथ, आज भी तो सर। तो यहाँ पर मेरे को जुकाम भी लग गई पता नहीं कैसे, भयंकर वाली। ये सामने मंदिर है रामदेव जी महाराज का और मनीष जी, रामदेव जी का मंदिर देख सकते हो आप। मुझे पता नहीं, कई बोलते हैं ऐसी जो भी हाथ में वगैरह कुछ भी पहन के रखते हैं अपन, उनको इधर कहीं बांधते हैं और फिर कुछ मांगते हैं ना तो वो पूरी हो जाती है, ऐसा कुछ बताया गया है। तो ये देख सकते हैं आप कितने सारे बांध रखे हैं लोग बागों ने। मनीष तू भी बांध दे कुछ, तेरे चोटी वोटी कर, बड़ा बड़का सिर में चोटी नहीं है, मतलब कुछ भी बांध देते हैं ना तो बोलते हैं कि मनोकामना पूरी होती है। ये ढोल बजा मनीष, छोटू पहली बात इसको ढोल बैठाते हैं हम यहाँ पर और जिमाते हैं यहाँ पर, कोई ज्यादा लोग आ जाते हैं ना तो यहाँ पर बैठा के जिमा देते हैं। अच्छा, ये रामदेव जी का घोड़ा है, ये वाला ही उड़ाते क्या वो? अभी धूप भी भयंकर हो रही है, देख सकते हो आप मेरी आंखें नहीं खुल रही, मेरे को जुकाम और लग गई। नीचे चलो चलते हम नीचे, काफी देर हो गई यहाँ पर, मैं भी एक बार बजा देता हूँ, बजाएगा। और ये देखो एक किधर घोड़ा है, रामदेव जी महाराज का घोड़ा। ये क्या बात है यार, है इसका एक पे दो है, एक अंदर भी है ना, देख कितना बड़ा घोड़ा बनाया हुआ है यार, क्या बात है। ये देख सकते हो आप कितने अच्छे लग रहे हैं यार ये घोड़े, ऐसे रियल से लग रहे हैं मेरे को तो थोड़ा, है ना। ये रियल से लग रहे हैं ना, इस पे अगर कोई बैठ भी जाए ना तो कुछ नहीं हुआ मनीष। देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब मैं बैठने के लिए बनाया था, मेरे को थोड़ी हवा वगैरह लगे इसलिए बना रखी है हमने, यहाँ पर आराम से बैठ सकते हो, सो सकते हो, कुछ भी हो। तूने बनवाया क्या? तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस नीचे, क्योंकि यहाँ पर तो काफी देर हो गई, हम नीचे जा रहे हैं हम लोग, मनीष भाई ये जा रहे हैं, तो चलो नीचे चलते हैं, प्रसाद वगैरह तो खाई लिया हमने। ये देखो कैसे खड़ा है, ये देख सकते हो उसको कैसे खड़ा है, काफी देर हो गई और कैसे खड़े रहो। तो चलो अब चलते हैं फटाफट से, मामा जी भी आ गए तो चलो चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर बर की सबसे फेमस जोधपुरी नमकीन स्वीट्स है, मतलब यहाँ पर कचौरी सबसे फेमस बताते हैं यहाँ की, तो अभी खाकर देखते हैं हम कैसी मिलती है कैसी नहीं मिलती, तो चलो अभी खाते हैं और फिर उसके बाद में बताते हैं आपको कैसी है कचौरी। दोनों भाई आ चुके हैं, चाय भी लेके आ गए और कचौरी भी लेके आ गए, तो खाकर देखते हैं कैसा टेस्ट है, फिर उसके बाद में बताते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे फेमस है कि नहीं, फेमस है कि नहीं है, तो अभी खाते हैं। कचौरी वगैरह तो खा ली, सच में कचौरी का बहुत अच्छा टेस्ट था, मतलब जितना बोला गया ना फेमस है तो बहुत अच्छा टेस्ट था। मनीष भाई आपको कैसे लगी? मस्त है, एक नंबर। तुझे कभी क्या खराब लगता है खाने में? बुराई करने का मतलब यार रियलिटी बतानी चाहिए ना, अच्छा है सीरियसली बहुत अच्छी थी। तो अब हम लोग जा रहे हैं सीधा, अभी और भी कहीं जाना होगा तो चलते हैं, तो अभी चलते हैं फटाफट से। ये मामा जी देखो कैसे सांड बगा रहे, टिच टिच टिच।
मामा इसको गुस्सा आ गया ना, दोनों साइड सांड है भाई। ओ भाई ये तो घूर रहा है। और क्या हाल है बेटे? अरे रीच में आ गया ना तो कांच में देखा बच्चे इसको, ये इसको भयंकर तरीके से गुस्सा आ रहा है। तो गाइस अभी हम लोग जाकर आए दीपू भैया के ससुराल और हम ये तिलक देख सकते हो। आज हमें जुआरी भी मिली है, मतलब पैसे मिले, पैसे ये तो, बताएं कितने मिले। और आज इस वो पैसे मिले ना उसी की हम है ना होटल पे खाना खाएंगे। तो अब चलो चलते फटाफट से होटल पर खाना खाने। पावना दा ढाबा, पावना दा ढाबा पहले भी आपने देख लिया होगा व्लॉग में, तो चलो चलते हैं पावना दा ढाबा। तो पहुंच चुके पावना दा ढाबा होटल, मतलब यहाँ पर ये ढाबा है यहाँ पर। तो अभी अंदर चलते हैं, खाना वाना खाते हैं। तो चलो चलते हैं अंदर। तो अभी भैया कर रहे हैं ऑर्डर। क्या खाएगा मनीष? लाइव टमाटर खाने में क्या खाएगा? फाइनली हमारा खाना आ चुका है, ये काजू करी, ये चटनी, मटर पनीर और आलू छोले की सब्जी, रोटी। तो अब खाना वाना खाते हैं फिर उसके बाद। तो भाई खाना पीना हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं सीधा घर, क्योंकि काफी लेट हो चुके हैं। तो अब चलो चलते हैं फटाफट से घर। तो गाइस अभी हम लोग आए थे तालाब के चक्कर में, मतलब यहाँ पे बोटिंग वगैरह होती थी और हमारा पोपट हो गया। यहाँ पर खेती बाड़ी होने लग गई, ये देख सकते तालाब ही सुखा दिया, यहाँ पर खेती होने लग गई है। देखो पहले उधर से पानी वगैरह आता था, भरता था, और यहाँ पे पहले बोटिंग होती थी और अब खेती होती है। पहले बोटिंग होती थी, अब खेती होती है। अब खेती होती है। तो यहाँ पर मतलब पोपट हो चुका है हमारा, और अभी तो क्या कर रहे हैं, चले आपका खेती करवाया। तो चलो अब चलते हैं घर फटाफट से। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर। तो अभी अंदर चलते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि आप बैठेंगे, खाना बना तो खा के आ चुके हैं। तो अभी मेरे को वीडियो एडिट करनी है, तो फटाफट से बैठते हैं थोड़ी देर में, आपसे मिलते हैं उसके बाद। तो वैसे खाना पीना तो हो चुका था, आपको भी पता है पहले, और बाकी सब लोग तो बाहर बैठे हैं, मैं कर रहा हूँ वीडियो एडिट। तो आपको कैसा लगा यार ये व्लॉग? अगर व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे नए नए मजेदार व्लॉग लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। चलो ठीक है, हम रवाना हो चुके नीलकंठ महादेव के लिए। हाँ।